Rahim, ladies and gentlemen very warm welcome to module 155 here we are going to discuss the entrepreneurial mindset before that I just wanted to share a one saying it's a famous saying says that if you must afraid of something then be afraid of not to think if you must afraid of something then be afraid of not to think agar kisi cheez तो इस चीज़ से डरिए कि आपका दिमाग जो है वो कुछ सोचने की कुवत से अलग है वो नहीं सोच पा रहा और अगर आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे आपका नज़रिया नहीं बन रहा आपका किसी चीज़ पर फलसफा नहीं बन रहा आप कुछ अलग नहीं सोच रहे तो आपको सोचना होगा कि आप क्या कर रहे हैं और आपको इस चीज़ से खौफ ज़्यादा होना चाहिए कि आपका दिमाग सोचने वाले दिमाग में नहीं है सो so, इस एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता क्या है? इज दैट इन कैपेसिटिकेशन ऑफ नॉट टू थिंक और बॉक्स थिंकिंग का आपने लफ्ज सुना और इसको हमने कम से कम 20 से 25 साल पीटा जब से ये एम बी एज और एम बी बी एज आए और इसके अंदर हमने देखा कि जितनी भी बिजनेस मैनेजमेंट की किताबें आती हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की बात करते हैं लेकिन उस आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के अंदर से सब का सब बॉक्स में था आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं था वही अकाउंटिंग थी वही लेजर थे और वही अकाउंटिंग डिटेल्स थी और वही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था और उसके बाद जो है वो आपने आगे सोचना बंद कर दिया होलिस्टिकली सोचना बंद कर दिया वही कमांड कंट्रोल सिस्टम था वही हैरारकी थी वही फंक्शनल लेवल था वही स्ट्रेटेजिक लेवल था वही ऑपरेशन लेवल था वही हेरार्किकल कमांड थी वही टॉप टू बॉटम था वही बॉटम टू अप था और इस तरह का कोई आइडिया ऐसा नहीं था कि एक टेबल लगा दी जाएगी और सब लोग जो है वो खड़े होकर काम कर रहे होंगे और चिप पर बात होगी और चिप को माइक्रॉन तक लेकर आया जाएगा और ये इस तरह का काम का एक एटमोस्फेयर बनाने वाला आदमी जो है वो स्टीव जॉब कहलाएगा जो चार दफा सी से रिजाइन किया वजह ये थी इनोवेशन तो थी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था आपने देखा होगा कि उनकी जिंदगी तक आपके जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थे वो कंपैरेटिवली uh, जो उनका मार्केट शेयर था वो एप्पल का कभी भी ज्यादा नहीं था सैमसंग से या बाकी उनके कंपेटेटर से लेकिन उनकी जो इनोवेशन थी वो अलग थी यानी पूरी एक सदी अगली जो थी वो टच पर आनी थी और हर दिन और हर वक्त वो नए प्रोडक्ट के साथ आते थे 2008 से पहले उनको सीईओ से दोबारा अलग होना पड़ा और फिर वो एक दफा बैठे हुए थे एंड देन ही थॉट ऑफ अगेन थिंकिंग ऑफ समथिंग डिफरेंट समथिंग न्यू एंड ही वाज नॉट इवन फर्स्ट्रेटेड फॉर लूजिंग हिज जॉब तो सोच क्या रहे थे जॉब साहब जॉब के बारे में नहीं सोचते थे उन्होंने उनकी उन्हों बेटी रनिंग करते हुए आई और उन्होंने वॉकमैन देखा और कहा कि ये आठ सेल और सिर्फ आठ गाने एंड देन राइट आफ्टर हाफ एन आवर और मे बी एन आर ये खत्म हो जाएगा तो ये उस वक्त की बड़ी ईजाद थी वॉकमैन जिसके साथ तारें नहीं लगी हुई और आप गाना सुन रहे हैं लेकिन कैसेट लगा के तो उन्होंने कहा एंड देन ही इन कम अप विद न्यू आइडिया आई पॉड और उस आई पॉड ने पूरी दुनिया को एक दफा दोबारा से तब्दील कर दिया अ म्यूजिक लाइब्रेरी विद विदोर थाउजेंड और फाइव थाउजेंड सॉन्ग्स और समथिंग लाइक दिस तो इतनी बड़ी इनोवेशन के साथ आ गए अब ये समझना है कि स्टीव जॉब जेफ बेजोस अब सारे हॉन्ट हो रहे हैं इससे लेकिन क्या वही काम कर कर लेंगे क्या स्टीव जॉब को देख देख के स्टीव जॉब्स बन जाएंगे नहीं क्या आप जेफ बेजोस को देख के जेफ बेजोस बन जाएंगे नहीं जैकमा को देख के आप जैकमा बन जाएंगे नहीं आपको उनके माइंडसेट को समझना है और फिर उसकी उसकी उस इंटेंसिटी और इंस्टिंक्ट को देखना है कि वो किस तरीके से सोचते थे उनके अंदर वो क्या काबिलियत थी जो कैपेसिटी डेवलप करती थी वो क्या चीज थी जिसके अंदर वो रिस्क लेते थे आर दे जस्ट ड्राइव रिस्क टेकिंग नहीं देखें जेफ बेजोस ने जब कोई चीज डेवलप की थी एक पहली ऐप पांच सौ में बेच दी फिर उसने एक आइडिया और डेवलप किया उसके मिलियन डॉलर मेरे बेच दिया उसके बाद उसको एक और चीज मिली बनाई बेच दी फिर उसने टेस्ला के अंदर आया और टेस्ला का आइडिया लिया बेच दिया सो so, क्या ये लोग कैप्चर्ड होते हैं ये कैप्चरिंग करते हैं या किसी भी चीज को हमेशा रखने के लिए तैयार रहते हैं क्या जो पैसा बनाना है वो जरूरी है या किसी चीज के ऊपर की इख्तियार करना वो जरूरी है आप बहुत बड़ी फॉर्म बनाते हैं आप दस साल तक उसके अंदर आपका पैशन होता है याद रखिए जब तक आपका पैशन किसी फर्म में हो और आपके जो है आ, वो कहा जाता है रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल जो आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है ये गालिब का शेर so, आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है That's the passion. रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल सो so, ये रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल इज द माइंड सेट द सर्कुलर यानी ब्लड सर्कुलेशन से सिर्फ लेना देना नहीं है ये जो पैशन है ये निकल के आना चाहिए ये माइंड सेट है क्या यस टू बी इंडिपेंडेंट वन देन टू डिजायर टू ऑपर्चुनिटी ड्रिवेन एंटरप्र थ्री ड्रिवेप्रोर एंड एग्जाम्पल देखता हूं के अगर हम पहले में देखें कि जब होती है, तो एंटरप्रेन्योर्स कैसे थे मनी और टू बी मोर इंडिपेंडेंट और अट टू इनका आइडिया क्लियर है इनको अपने पास हर चीज नहीं रखनी डोंट वांट टू ओन समथिंग बस उनको पैसा बनाना है नया आइडिया फिर नया बनाना है नया आइडिया और वो आगे आगे लोगों को ट्रांसफर कर देना कंपनी बेच देनी आगे। वो टेस्ला कर रहे हैं, जब तक टेस्ला पैशनेट होगा और वो उन्होंने बस एक आइडिया ये था कि फ्यूल स्टेशन पे खड़ी ना हो गाड़ी अच्छा खुद से ड्राइव हो गूगल अर्थ उसको चला रहा हो ब्रेक लग जाए सेंसर जबरदस्त हो और ब्रेकिंग सेंसर से लेकर सारी गाड़ी खुद जो है वो ऑटोमेटिक मूव हो आइडिया था गया खत्म अब वो कोई और आइडिया सोच रहा होगा दैट्स व्हाट जेफ बेजोस इज ही डोंट डोंट ओन ही आई मीन कि वो हम मेरे साथ पूरी जिंदगी टैग लगा रहे और पूरी जिंदगी वो जो प्रोडक्ट है मेरे साथ बंधा रहे मेरा दिमाग का हिस्सा बना रहे नहीं नेसेसिटी टू एन एंटरप्रनोर जैकमा उन्होंने ये सोचा था जो कि माउस नहीं हिला सकते थे और जिस जमाने में उन्होंने इंग्लिश सीखी थी आ, वो एक टूरिस्ट गाइड बन गए तो उस वक्त उन्होंने देखा कि चाइना के अंदर चाइनीज लैंग्वेज ही थी उन्होंने जरूरत समझी कि इस वक्त इंग्लिश की बहुत हद तक जरूरत है तो वो एक टूर गाइड जो इंग्लिश वाले थे उसके साथ फिरते थे इंग्लिश सीखी गाइड करना शुरू कर दिया वहां लैंग्वेज में कमांड सीखना शुरू की और फिर उन्होंने कहा कि मैं वेस्ट के आइडियाज को लाके चाइनीज में करूंगा ग्राउंडेड करूंगा और फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जैक माने सिर्फ पांच सौ लगाकर अठारह लोगों के साथ शेयर कंपनी बनाई और कंपनी बना करके उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर आपको बता दिया कि भी एक एक चीज़ है एक डिजिटल स्पेस भी एक चीज है एक डिजिटल मार्केटिंग भी एक चीज है और पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी आज उसके ऊपर केस स्टडी तलाश कर रही है कि किस तरीके से सप्लाई चेन डेवलप हुई तीसरी टाइप का जो आंटरप्रन जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो सेल्फ एफिकेसी बेस है यानी माइकल जैक्सन की एग्जाम्पल ले लीजिए अगर मैंने पहले भी आपको बताया था कि वही नहीं है जो बिजनेस कर रहा है हर ऑंटरप्रेन जो यूनिक चीज तरीके से कुछ भी बेचता है चाहे सर्विस बेच देता है अपना गाना बेच देता है आप प्लांट्स uh, बेच देते हैं वेजिटेबल का, का काम शुरू कर देते हैं ऑर्गेनिक सब्जियां बना देते हैं देसी अंडे बनाना शुरू कर देते हैं वो एवर इट इज सो सेल्फ एफिकेसी क्या दैट इज द दर इमर्ज फ्रॉम डिप्राइव्ड माइनॉरिटी और मैजिकल क्लास ऑफ द सोसाइटी बाई सेल्फ एफिकेसी अब अपने जो बैकलैश से हटना अपनी असल से हटना मेरे माँ बाप काले उन्होंने कालों माँ बाप को तब्दील कर दिया उन्होंने किसी ने बताया कि तुम पाँच पचास साल तक जिंदा रहोगे वो वाकई पचास साल तक ही जिंदा रहे लेकिन उन्होंने कहा मैं इस डेढ़ सौ साल तक जिंदा रहूँगा फिर उनको अपने रंग से नफरत थी उन्होंने वो भी रंग चेंज करवा लिया उसकी वजह से उनको हज़ार के करीब टांके लग चुके थे तो पेन किलर्स खाते थे बॉक्स में रहते थे और हर ऑर्गन के लिए सत्रह डॉक्टर थे और सत्रह ही लोग जो कि ऑर्गन लेकर उनके साथ ट्रेवल करते थे ताकि मौत को डिले कर सके वो नहीं कर सके और पचास में उस बॉक्स में मरे जिसके अंदर गारंटी थी कि मौत नहीं आ सकती थी सो so, ये वो लोग होते हैं जो अपने आप के अंदर से हटना चाहते हैं अचीव तो कर लेते हैं और इसकी वजह से कितनी इनोवेशन आती हैं यह आपके सामने ही। आगे हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज वन इज डिटर्मिनेशन एंड प्रिजर्वेंस

एक्साइटमेंट ऑफ एन एम्बिटेंस एग्जिस होगी मुझे क्लैरिटी में ना होना यही तो एग्जिस्टेंस है उस जब भी आप नई चीज करने आएंगे तो धुंधल का होगा और उसके अंदर से पार जब आप जाएंगे तो फिर रास्ते की तलाश होगी

कि स्पीड ऑफ लाइट में फेल फेल हो, होना चाहिए आप जो भी चीज शुरू करना चाहते हैं जल्दी से लॉन्च कीजिए हिट कीजिए फेल हो जाइए फिर कीजिए फिर नया कीजिए फिर नया कीजिए बट यू मस्ट हैव द द द टॉलरेंस फॉर डोंट वरी अबाउट इज द फर्स्ट स्टेप टू द सक्सेस याद रखें जिस भी चीज से आप फेल हुए मजे की बात यह कि वो अगली कदम होगा बहुत बड़े सक्सेस का तो फेलोर इज द द स्टेयर टुवर्ड्स सक्सेस एंड देन इज द एनर्जी लेवल द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्ड लोड एंड द स्ट्रेसफुल डिमांड फेस विद्यूर फिर उसके बाद शुरू होता है क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस अच्छा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह सारा मिलाकर फिर आपको दो चीजों की तरफ लेके जाता है वन एंड ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज विजन विजन इज ऑलवेज ब्लार याद रख लीजिए विजन आप शेयर नहीं कर सकते मिशन बना बना के लोगों को आप शेयर कर सकते हैं विजन पे ट्राई करें अगर कोई समझ जाए बट इट इज जस्ट इन द वन माइंड वन ब्रेन इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ह्यूमन आइडिया एक विजन और अगर विजन शेयर हो जाए तो वो खास दिमागों के साथ शेयर विजन शेयर होता है बट याद रखिए वो पार्शल होगा उसलिए आप जो है वो परेशान मत हो कि हमारा विजन पूरा शेयर नहीं हो रहा है पैशन टू बिल्ड अ टीम